बात की बात है, देख आप इसी को दिखाए रहो, इसको हम पढ़ दें आवाज में। देखिए आप जो लोग पूछ रहे थे, तो पत्रिका आखिरकार मिल गई है, ये लिखा है असाधारण भविष्यवक्ता। ये मेरा फोटो है उस समय का। साधु जी ने कोई खास शिक्षा नहीं प्राप्त की है, किंतु मूक पशु पक्षी दिखता भी रहे, मैं बोलता रहूं दिखता भी रहे, किंतु मूक पशु पक्षियों की सेवा के द्वारा उनके अंदर असाधारण आत्मविश्वास है। कभी कभी वे असाधारण भविष्यवाणी कर देते हैं। एक बार इस नाचीज ने राजा जी पुरम लखनऊ से प्रकाशित साप्ताहिक गोमती जनशक्ति जनशक्ति के लिए पूछा था। केंद्र सरकार के भविष्य के बारे में उस समय केंद्र की सरकार अटल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में आने वाला था। जयललिता ने उस समय राजग से समर्थन वापस ले लिया था। साधु जी ने उस समय कहा था कि राजनेताओं के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, क्योंकि राजनेता की किसी बात का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर भी आपने समाज के हित के लिए पूछा है, तो 99% यही सरकार रहेगी। 99% अगर गिरेगी तो सिर्फ 1% से, उसका मतलब एक ही वोट तो हुआ। सही बात, 1% से। बाद में साधु जी की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य निकली। सरकार 1% से भी कम वोट से गिरी तथा सोनिया गांधी के सरकार न बना पाने के कारण उस लोकसभा के कार्यकाल में अटल सरकार ही रही तथा चुनाव के बाद पुनः सत्तारूढ़ हुई। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने मुझसे रायबली और अमेठी से कांग्रेस के जीतने की बात कही थी, जो सत्य हुई। जय राम जी की। हिंदुस्तान के पक्ष वालों, विपक्ष वालों, आप जरा इन पर गौर करें कि आखिर कभी आप लोगों ने सोचा कि श्याम साधु आखिर है कौन? YouTube पर, Facebook पर उसके पुराने पुराने रिकॉर्ड अब डाले जा रहे हैं। क्यों? अगर हमको पैसा कमाना होता, चापलूसी करनी होती, वाहवाही लेनी होती हमको मोदी जी से, योगी जी से, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, जयललिता से, सुषमा स्वराज से, अरुण जेटली से, तो मैं बहुत कुछ लिख के और वीडियो बना बना के मैंने भेज दिया होता। इससे साबित होता है, जरा गौर करो, चश्मा ना हो तो उधार ले आओ नेता लोगों। बाहर के लोग क्या कहेंगे कि ऐसे आदमी को आप लोगों ने छिपाया आज तक है? अब ये निकल आ रहा है मोदी जी और मुकेश अंबानी के बदौलत, जो YouTube पर, Facebook पर आज पूरा हिंदुस्तान छाया हुआ है, लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। मैं इसमें एक फूटी कौड़ी नहीं कमाता हूँ, जो मिलता है वो नाती को देता हूँ, वही हमारे वाईफाई की व्यवस्था करता है, वही लैपटॉप मंगा के देना और ये सब वही कर रहा है। तो कहने का मतलब ये इतनी जोरदार खबर है, एक बार इसके फ्रेंड को फिर पढ़ लीजिए, किस किस महीने का है, किस सन का है, ये भी हम बता देते हैं। अब देखिए, 2 दिन से मैं लाई पर बोल रहा था कि काली शेरवानी और सफेद घाघरेदार पैजामा में मुशर्रफ साहब का फोटो है। डेमोक्रेटिक टेक वर्ड, 15 जुलाई 2001, दोस्ती की मेज पर परवेज, अंक 15 जुलाई 2001 का है, राष्ट्रीय अर्धमासिक पत्रिका। अच्छा, यह 15-15 दिन तो निकलती है, है ना? इसके पीछे का भी दिखा दे भाई, यह है इसके पीछे लिखा हुआ, ताकि आपको पक्का हो जाए
की वही पत्रिका है, ये सब कुछ आपने सब देखा है, ये सब उसी के अंदर के पेज है, आप दिखा रहे हैं ना, इसी के अंदर का पेज है सब, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। दोस्ती के मेज पर परवेज, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मुसर्रत साहब हैं। देखिए हमारी याददाश्त, न्यूरो को मेरा ऑपरेशन 2018 में हुआ और 2001 की पत्रिका की बात, आज क्या साल हो गए, 23 एक निकालो 22 साल हो गए है। तो हिंदुस्तान का के बाबा लोगों, नेता लोगों, न्यूरो का ऑपरेशन कराए हुए एक 85 साल का आने वाले इसी 2 जून को, आगामी 2 जून को मैं 86 में लगूंगा, न्यूरो का ऑपरेशन कराए, ये 2001 की पत्रिका। और हमको याद था कि मुशर्रफ साहब काले रंग की शेरवानी पहने हैं और घेरादार पैजामा, इसको क्या बोलते हैं, इसका वही पैजामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के अब इसको आ चुके, हम वीडियो उसमें पढ़ा लेगा नहीं, 24 घंटे के बाद लेगा, तो आप इसको ब्लॉग में डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए, सब जगह डालो, जाओ।